जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर दिया मैंने। अरे अरे, दो बातें मुझे कहनी है। एक तो हमारे घर की ये बहू बैठी है, ये हाँ। मतलब ये जो आज भी है भाई, इसकी नजर उतार देना कोई आज जाकर, क्या ताली बजाई है इसने, क्या प्रसन्न हुई है ये, है मतलब कमाल है। मुझे बैठ के मनीष लगा ही नहीं मैं कार्यक्रम में बैठा हूँ, मुझे लगा कि मौसा जी के लड़के की शादी है और कार्यक्रम के बाद सारी महिलाएं पुरुष इकट्ठे हो गए और सब गाना बजाना चल रहा है, ऐसा लगा। बड़ी पारिवारिक सी फीलिंग आई मुझे। आइए भाई साहब, आइए। कहाँ से आ रहे हो? आधा कार्यक्रम कहीं और निपटाइए है क्या? आज पुराने रंग में। एक बात और कह दूं, किसी को जाना हो, किसी की कोई पारिवारिक समस्या हो, रासायनिक दिक्कत हो, बाहुबली तू भी हट जा। अरे क्या रोक लेगा तू बता, क्या हट जाएगा? ये जो दो तीन बच्चे हैं बस बेटा इनको, हाँ ये देश का भविष्य है लेकिन मेरा वर्तमान चौपट कर सकते हैं। भाभी थोड़ी देर के लिए बिठा लो इसको, बहुत अच्छे। नहीं मैं जानता हूँ भाभी जी, बच्चों को चुप रखना कठिन काम है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ जब आठ ठान लेती हैं तो बच्चा तो क्या इसका बाप चुप हो जाता है। थोड़ी देर के लिए चुप रखते हैं, सब अच्छा है। ये बड़ी मोहब्बत की मिट्टी है। और तुम कहाँ आगे को आ रहे हो, बैठो, सब जगह से एक सा दिखता है। पांचवीं बार जगह बदली है इसने। ये हमारे इस ससुराल के इलाके की आदत है, आदमी की कुल्फी भी खाता है तो हर तरफ से चाट के देखता है। तो लोग बैठे हैं, आप सबका बहुत आभार साहब। हम तो मेरठ के इलाके से हैं, संतों के चरणों में लोग जाते हैं। हमारे यहाँ एक लड़का चौधरी, नई नई शादी हुई, छः आठ महीने बाद संत बैठे हुए थे शहर में, छः सात आठ, सात संत चटाई बिछा के। तो सबसे आगे वाले संत से कहा कि महाराज पत्नी को वश में रखने का कोई मंत्र बताओ। तो महाराज ने सबसे छोटे महाराज को आवाज़ दी कि रामलाल, बोले जी, बोले एक चटाई और लगाओ। तालियां बजा सकते हो। एक चटाई। कुछ एक मुक्तक आपको सुनाता हूँ, फिर एक नई कविता सुनाऊंगा आपको। मन है मेरा, अच्छे सा लग रहा है माहौल, तो एक नई कविता जो इन दिनों सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सुनाता हूँ। पहले वहीं से शुरू होता हूँ जहाँ से आपका स्मरण है, नया नया सुनाऊंगा, सुनिएगा। कि मैं अपने गीत गजलों से, बस ऐसे सुनो जैसे कोई नया गीतकार सुना रहा है। आप मुझे जानते ही नहीं मैं कौन हूँ। एक नया लड़का आया था, एक नया कवि आया था, वो कविता सुना कर गया था, बहुत अच्छी कविता सुनाई थी। ऐसे सुनो, जब अच्छी लगे तब वाह करो उसमें, है ना, आनंद करो। निवेदन करता हूं कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। वाह। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसी की दी हुई दौलत, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। कभी उदासी छा जाए, अकेलापन हो जाए, फ्रस्ट्रेशन हो, पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, केवल दो पंक्ति गुनगुनाना दावा करता हूँ आधा अंधेरा छट जाएगा। भगवान शंकर के मंच पर पढ़ रहा हूं, इन चार पंक्तियों पर मुझे प्रारंभ करना ताकि मैं घंटे डेढ़ घंटे आपको आनंद दे पाऊं। कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना, दिए का काम है, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम, वो अपना काम करती है, मैं अपना।
कि पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना। अब गाओ कि पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या वाह 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 जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्म कश में है। अगली पंक्ति संभालना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्म कश में है जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार करना। जो मैं या तुम समझ लें वो इशारा कर दिया मैंने। अरे अरे जो मैं या तुम समझ लें वो इशारा कर लिया मैंने। एक पंक्ति पांच साल पहले क्या कर रहा था आज क्या कर रहा हूं सुनिएगा। जो मैं या तुम समझ लें वो इशारा कर लिया मैंने। किनारा करने वालों से किनारा करने वालों से किनारा। लहर है हौसला है रब है हिम्मत है दुआएं हैं। लहर है हौसला है रब है हिम्मत है दुआएं हैं। भरोसा बस तुम्हारा था तुम्हारा कर लिया। भरोसा बस तुम्हारा था तुम्हारा कर लिया मैंने। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी सो के गुजरी है। मैं जब कविता लिखने गया तो मंचों पे जाने लगा तो मेरे पिताजी ने टीवी का प्रोग्राम था दूरदर्शन का। मैं बीए की दूसरी क्लास में पढ़ता था दूसरे ईयर में तो कुर्ता प्रेस कर रहा था अपने आप। घर में सबसे छोटे थे हम। अब तो ड्रेस डिजाइनर आ गए स्टाइलिस्ट आ गए तब तो खुद ही कुर्ता प्रेस करना पड़ता था। ओ उसका वाला होती थी प्रेस भी लगा है काम किया है तुमने। अच्छा घर में मैं सबसे छोटा था तो मैं एक कुर्ता प्रेस करने बैठूं तीन भाभियां साड़ी डाल जाए। बस भैया फॉल पे कर देना थोड़ा इसका। तो मेरे पिताजी ने कहा कि टीवी पे जा रहे हो। मैंने कहा जी। भाई देखो हमने तुमसे कभी कुछ कही नहीं तुम इंजीनियर नहीं बने कवि बनने चले हो। एक बात ध्यान रखना प्रेम पढ़ते हो टीवी पूरा देश देखेगा। प्यार पढ़ो तो ऐसा पढ़ना कि माँ अपने बेटे के साथ सुन सके और पिता अपनी बेटी के साथ सुन सके। तो मैं संतों के सामने पढ़ रहा हूं और भगवान की तरफ से पीठ करके नहीं पढ़ रहा भगवान से अपनी पीठ पर आशीर्वाद का हाथ लेकर पढ़ रहा हूं। मैं जो भी पढ़ूं इसे प्रेम वाले प्रेम में समझें और धर्म वाले धर्म में समझें। महबूब महबूबा के लिए परेशान है और संत ईश्वर के लिए परेशान है। आप में और हम में कोई अंतर नहीं है महाराज जी। इच्छाएं आपकी भी हैं इच्छाएं हमारी भी हैं। हमारी इच्छाएं सांसारिक हैं आपकी इच्छाएं पराभौतिक हैं दैवीय हैं। सांसों की सीमा निश्चित है इच्छाओं का अंत नहीं है। सांसों की सीमा निश्चित है इच्छाओं का अंत नहीं है। जिसकी कोई इच्छा ना हो ऐसा कोई संत नहीं। संत की इच्छा है कि वो ईश्वर का साक्षात्कार करे। संत की इच्छा है कि वो अपने प्रवचन से जगत का कल्याण करे। संत की इच्छा है कि उसके रहते जगत में मंगल हो।
तब मैं इसे प्रेम में पढ़ रहा हूँ, इश्क वाले इश्क में गाएं और इश्क हकीकी वाले इश्क मजाजी में गाएं, सब गाएं। कि कोई दीवाना कहे कोई मगर धर मैं तुझसे दूर ये तेरा एक बार जोरदार तालियां उठाएं। क्या बात है, वाह 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 वाह।